ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो मंगलाचरण के एंड में जो भी हमारे समाज के हमारे वैष्णव समाज के जो भी दीक्षित भक्त हैं वो अपने गुरु को उनका प्रणाम मंत्र पढ़कर उनको नमस्कार करते हैं, और जो अभी दीक्षित नहीं हुए हैं वो उस समय पे अपने शिक्षा गुरुओं को या जिनको भी वो अपने मन से अपने गुरु मानते हैं उनको नमन करते हैं और श्री प्रभुपाद को नमन करते हैं। मंगलाचरण के बाद हम तुलसी प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। इसको 3 बार पढ़ा जाता है, और सुबह की आप मंगल आरती में या शाम को संध्या आरती में इसके साथ साथ प्रदक्षिणा भी की जाती है। पहले तुलसी प्रणाम मंत्र होता है, फिर तुलसी प्रदक्षिणा होती है। तो हम क्योंकि इस समय तुलसी आरती नहीं कर रहे, वैसे भी रात्रि का समय है, तो हम केवल तुलसी प्रणाम मंत्र पढ़ के अपने आज के सेशन को शुरुआत करें। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृंदायै तुलसी पड़ेगा देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्ये नमो नमः। प्रेम प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा, आपसे अनुरोध है कि कृपया स्वयं को म्यूट पे रखें क्योंकि क्लास चल रही है, तो आप जब आप पढ़ें या बोलें केवल तभी आप अनम्यूट करें। अभी एक बार हम सबको म्यूट कर रहे हैं, इसके बाद सिर्फ अपनी टर्न पर ही कृपया करके आप अनम्यूट। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सत्र की। हमें 8वां अध्याय पढ़ना है, और रोज की तरह हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे 5 मिनट में, ताकि डेली रिकैप होने से क्या होता है कि हमने जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं उसका एक कंटिन्यूटी एक फ्लो बना रहता है, और प्लस हमें ये भी पता रहता है कि अब तक हमने क्या किया क्या मिस किया। और कई बार जो चीजें मिस हो गई होती हैं उनका कोई एक पॉइंट भी ध्यान में आने से हमें सारा का सारा वापस याद हो जाता है। तो क्विक रिकैप करते हैं। पहला अध्याय हमने पढ़ा कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, जहां भगवान अर्जुन के रथ को ठीक मिडिल में ले जाते हैं, मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं को देखते हैं, और उसके बाद वो धनुष रख देते हैं क्योंकि उनके दोनों ही तरफ उनके स्वजन खड़े होते हैं। एक तरफ उनकी अपनी सेनाएं हैं, उनका भी वध हो जाना है। दूसरी तरफ उनके ओपोनेंट्स हैं, उनके अपने भाई हैं, कौरव हैं, प्रधान सेनापति पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, आचार्य हैं जो उनके मामा हैं, श्वसुर हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, सब उधर हैं। उन सबको देखते हुए अर्जुन शोक संतप्त हो जाते हैं। 5 कारण देते हैं युद्ध ना करने के।
पहला कारण, अर्जुन कहते हैं उनको अपने स्वजनों पर दया आती है। दूसरा कारण, यदि वो जीतेंगे तो भी उन्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा। तीसरा कारण, इस युद्ध को करके अपने स्वजनों की हत्या करके अर्जुन को पाप लगेगा। चौथा कारण, जब इस युद्ध का परिणाम निकलेगा तो संपूर्ण कुल नाश विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जो हैं उनके सर से उनके पतियों का साया उड़ जाएगा, वे व्यभिचारिणी हो सकती हैं, संतानें अवांछित हो सकती हैं और कुल का नाश हो सकता है। और पांचवा कारण, अर्जुन असमंजस में। इन पांच कारणों के चलते अर्जुन धनुष रख देते। दूसरा अध्याय गीता सार। भगवान आते हैं, अर्जुन को जो शरणागत हो रखे हैं अर्जुन, उनको भगवान अपने शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। अर्जुन पहले ही से भगवान के संबंधी भी हैं, मित्र भी हैं, भ्राता भी हैं और अब शिष्य भी हैं। भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। भगवान उन्हें समझाते हैं कि जिस प्रकार एक कोई भी मनुष्य होता है अपने वस्त्रों को रोज बदलता है, अपने शरीर को स्वच्छ रखता है, उसी प्रकार आत्मा को भी जब उसका आवरण अर्थात शरीर मैला लगने लगता है तो आत्मा उस आवरण को बदल देती है और देहांतरण की प्रक्रिया होती है। देहांतरण अर्थात एक देह से निकल के दूसरे देह में जाना। भगवान अर्जुन ये भी समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा का कभी हनन नहीं होता, ना उसे वायु सुखा सकती है, ना जल जला सकता है, सॉरी ना जल भिगो सकता है, ना अग्नि जला सकती है ना। सब चीजें बताते हुए भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि उनके शोक का कोई कारण नहीं थी। उसके बाद भगवान अर्जुन को मन की स्थिति समझाते हैं, मन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। भगवान अर्जुन को इंद्रियों को वश में करने के बारे में ज्ञान देते। तीसरा अध्याय कर्मयोग। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। जो सकाम कर्म होते हैं जिनके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य होता है, उन्हें हमें दूर रहना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। विकर्म अर्थात शास्त्रों के अगेंस्ट, उसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कौन से कर्म करने चाहिए? अकर्म, जो भगवान की तुष्टि के लिए किए जाए। अर्जुन को यह भी समझाया जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वही दरअसल कर्म होते हैं, बाकी सब कर्मों को भगवान त्यागने के लिए कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान ये भी कहते हैं कि कर्म ना करने से कर्म करना उचित है, इसलिए अर्जुन को कर्म करने हैं। और क्योंकि वो एक क्षत्रिय हैं तो इस समय युद्ध क्षेत्र में उनका कर्म है युद्ध करना। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, जहां भगवान भगवद गीता का इतिहास समझाते हैं। सबसे पहले भगवान ने भगवद गीता सूर्यदेव विवस्वान को दी, उनसे मनुष्यों के पिता मनु के पास आई, उनसे इक्ष्वाकु के पास आई और उसके बाद ये ज्ञान गंगा बहती हुई बहुत सदियों से चलती 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 आगे बढ़ती गई और अब से करीब करीब 5100-5200 साल पहले महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को चुना इस भगवद गीता को रिपीट करने के लिए। उसके बाद पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत कर्म, जहां भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भगवान की तुष्टि के लिए कर्म कैसे किए जाए। छठा अध्याय, जहां हमने ध्यान योग के बारे में पढ़ा, अष्टांग योग के बारे में पढ़ा, अष्टांग योग के 8 चरण समझे, यन, नियम, आसन, प्रत्याहार, ये सबसे चलते हुए आगे अंत में हम कहाँ जाते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि। भगवान ने ये भी समझाया कि इस अष्टांग योग को करने की क्रिया प्रक्रिया कैसी है, किस तरह से एक मनुष्य को अपने नेत्रों से अपने नाक की नोक पर अपने मन और चित्त को पूरी तरह से एकाग्र करना है और भगवान के ध्यान में समाधिस्थ होना। लेकिन आज के समय में ना तो ऐसे मुनि हैं, ना तो ऐसा योग है, ना तो ऐसा स्थान है, ना तो मृगछाल है, तो हम सब ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति दी है संकीर्तन यज्ञ करने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से हम वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो कि एक मुनि हजारों वर्षों की तपस्या में किया करता था। और फिर कल हमने पढ़ा भगवत धाम में जाने के बहुत सारे मार्गों के लिए हमें कैसे स्वयं को तैयार करना है। तो ये भगवत प्राप्ति जो अध्याय अब हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड हमने कल समझी। तो ये हमने पिछले 7 चैप्टर्स को रिकैप किया, इसलिए कि अगर आपका कहीं भी कुछ मिस हुआ हो तो आपको समझ में भी आ जाए और आपको आगे पढ़ने में और अच्छा लगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आज का अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्णा।
आठवां अध्याय भगवत प्राप्ति। कल हमने पढ़ा था भगवत ज्ञान, आज हम पढ़ रहे हैं भगवत प्राप्ति। आई होप कि आपको स्लाइड्स पूरी ठीक से स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। अगर ऑडियो या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। इस अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग के नाम से भी जाना जाता है और हम लोग जो प्रभुपाद की गीता हम पढ़ते हैं उसमें हम इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो इस अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन कहने जा रहे हैं। आइए श्लोक पढ़ते हैं और आप लोग तात्पर्य और अनुवाद पढ़ने के लिए हैंड रेज कर लीजिए। अर्जुन उवाच किम त्वद् परब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम् च किम प्रोक्तम् अधिदैवम् किमुच्यते। अर्जुन ने कहा हे भगवान हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, काम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया करके आप ये सब मुझे बताएं। तो इस अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन के प्रश्नों से हुई है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर प्रश्न खड़ा हो जाता है, अर्जुन ने भगवान से इतने सारे प्रश्न क्यों पूछे? तो कहते हैं कि अर्जुन सब कुछ जानते थे, ज्ञाता थे, भगवान के भक्त होने के कारण उनको तो ये सारा ज्ञान स्वतः होना चाहिए था, फिर उन्होंने ये सब प्रश्न क्यों किए? क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब कुछ अपने आप ही स्वतः ही समझ जाते हैं, तो अर्जुन को इस ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? उसका उत्तर ये है कि अर्जुन ने ये सब प्रश्न इसलिए किए क्योंकि अर्जुन ये जानते थे कि वो तो इन प्रश्नों के उत्तर जानते भी हैं और जान भी जाएंगे, उनके तो युग में स्वयं भगवान उनके रथ पे खड़े थे, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशंस होंगी जैसे हम जैसे लोग हैं हम कैसे सीखेंगे? तो ये जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं ये सब हमारे कारण की कि हम इन प्रश्नों के उत्तर जान सके, इसलिए अर्जुन ने ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भगवान से पूछे। तो क्या क्या प्रश्न है? पुरुषोत्तम कहा है भगवान, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। तो अर्जुन का पहला प्रश्न है ब्रह्म क्या है, क्या प्रश्न है? ब्रह्म क्या है? तो हमने तीन फॉर्म्स पढ़ी थी भगवान की जब हमने पहला चैप्टर किया था, भगवान स्वयं भगवान, दूसरी फॉर्म ब्रह्म जो भगवान की निर्विशेष उनके शरीर की कांति है, तीसरी फॉर्म परमात्मा जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। तो यहां अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। तो ये प्रश्न हम सबके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि हम लोग भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है? देखिए हमने 5.29 पांचवे अध्याय का 29वां श्लोक जिसे हमने शांति स्तोत्र भी कहा था, जहां भगवान ने हमने क्या सुना था, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान ने क्या कहा था, सर्वलोक महेश्वरम अर्थात मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता, कहा था ना भगवान ने। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, अर्जुन अब पूछ रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वालों को वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये जो आठवां अध्याय है ये पूरा का पूरा है भगवत प्राप्ति। यहां भगवान निश्चित रूप से बताएंगे कि उन्हें प्राप्त करने के क्या क्या मार्ग हैं, भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इस जन्म में रहकर कैसे किया जा सकता है, मृत्यु के समय कैसे किया जा सकता है, अगले जन्मों में कैसे प्राप्त हो सकते हैं, अगला जन्म क्या हो सकता है, इस जन्म में हम अगले जन्म की तैयारी कैसे कर सकते हैं और जान कैसे सकते हैं कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अर्जुन पूछ रहे हैं और भगवान उत्तर देंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिते ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यातम कर्म चाखिलम्। कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे धीमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं।
वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरि बोल। हरि बोल। तो जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जरा क्या है? बुढ़ापा। और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जो चाहते हैं कि वो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पा ले, वे क्या करते हैं? मेरी शरण ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो भौतिक रूप से तो बूढ़ा भी होगा और मृत्यु को भी प्राप्त होगा, परंतु आध्यात्मिक रूप से न तो कभी वो जरा से प्रभावित होगा, अर्थात मृत्यु से, सॉरी बुढ़ापे से, और ना ही मृत्यु से, क्योंकि फिर वो दिव्य पद पे स्थित हो जाएगा। भगवान की भक्ति में जाने वाले दिव्य पद पे स्थित हो जाते, उन्हें आसपास की परेशानियां फिर उतनी कष्टप्रद नहीं लगती, उनके साथ उनको डील करना आ जाता है ना। आगे पढ़ते हैं, सॉरी। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञ च ये विदुः प्रणाय काले अपि च माम ते विरुद्धचते चेतसः। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का था समस्त यह विधियों का नियामक जानते हैं। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान ओ समझ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत और देवताओं का नियामक जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया? पहला पॉइंट क्या कहा था भगवान ने, पिछली स्लाइड पे चलते हैं, कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील, वो मेरी शरण में आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताया? जो मेरी शरण में आते हैं वो जरा और मृत्यु से भी प्रभावित नहीं होते। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जो मुझे मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, मतलब निरंतर मेरे बारे में चिंतन करते हैं, और मुझे ही देवताओं और यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं, कि मैं ही भगवान हूं, कि मैं श्री भगवान उवाच क्यों कहा गया है हर श्लोक में? भगवान ही श्री भगवान है, मतलब वो सर्वोच्चतम है, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। ब्रह्म संहिता का श्लोक हमने उस दिन पढ़ा भी था, जिसमें कि हमें क्या समझने को मिला था कि सच्चिदानंद रूप में भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। तो हमें, जिस भी मनुष्य को, हमें मतलब जो भी मनुष्य इन चीजों को समझ लेता है कि भगवान समस्त कारणों के कारण है, वे देवताओं से भी ऊपर हैं, वे यज्ञ से भी ऊपर हैं, वे हर तरह की विधि से भी ऊपर हैं, प्रकृति से भी ऊपर हैं, गुणों से भी ऊपर हैं, जो इन सभी चीजों को समझ लेता है वो मुझ भगवान को जान सकता है। ईश्वरः परमः कृष्णः, क्या था श्लोक? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ईश्वर कौन है? ईश्वरः परमः कृष्णः, सबसे ऊपर कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद विग्रह के रूप में, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, अनादि आदि काल से चले आ रहे सर्व कारणों के कारण है भगवान कृष्ण। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, इसे हम यहाँ कोट कर रहे हैं। आप कहीं गूगल पे इसको ढूंढ सकते हैं, वैसे कहीं ना कहीं तात्पर्यों में भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्लाइड आई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रश्न है, जैसे कि ब्रह्म और आत्मा के बारे में। तो जो जीव है वो अविनाशी है, उसका उसकी जो जीवित इकाई है वो क्या है कि उसका कभी अंत नहीं होता, है ना, और वो बहुत सूक्ष्म होता है, अणु है, एक छोटे से ब्रह्म जो है एक आत्मा के रूप में एक अणु है। मतलब आपको श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में मिलेगा कि आत्मा का साइज तक बताया गया है, कि जो आत्मा होती है उसका जो साइज है, वो जो बाल है हमारे सिर के बाल, इसका जो अग्रभाग, मतलब ये आगे का हिस्सा है, इसके 10,000वें भाग के बराबर। तो आप सोचिए, एक एटम भी इतना छोटा नहीं होता जितनी छोटी आत्मा को बताया गया है। आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है? अच्छा, तीन तरह की हमें यहाँ पर नई आपको टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी। तीन तरह के क्लेश होते हैं, अधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अगर आएगा तो मैं आपको इसमें बताऊंगी, अगर नहीं आएगा तो फिर तात्पर्य में आप पढ़ सकते हैं। फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं,
मनुष्य के हृदय में रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर उनको स्मरण करने का अभ्यास करके। जैसे कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो चीजें हम रेगुलर करते हैं उनके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, फिर वो स्वतः होती है एफर्टलेसली। जैसे कि हमारी श्वास प्रक्रिया, हमें हर बार सांस लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे इनहेल करना है, अब मुझे एक्सहेल करना है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। हमें भोजन करना है तो हमें मालूम है कि हाथ उठेगा तो सीधा मुंह में ही जाएगा, है ना? तो ये फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है हमारा। इसी प्रकार जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप पूरी उम्र करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो मृत्यु के समय हमें उस मंत्र को सोचना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, अपने आप ही सबसे मन हटके सीधा महामंत्र की ओर जाता है। तो वैसे तो हम भगवान की वाणी में श्लोक पढ़ और सुन चुके हैं, परंतु जब रोज भगवान आते हैं तो हम सब क्या करते हैं आप सब जानते हैं, तो कृपया अनम्यूट कर लें। आप सभी अनम्यूट करें, भगवान का श्लोक पढ़ना है, आप सबको भगवान का स्वागत करना होता है रोज हमें, और ये बहुत अच्छा है कि हम एक बार सब मिलके भगवान का स्वागत करते हैं। तो आइए सब मिलकर भगवान का स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम 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 कृष्ण की, हरे हरे बोल हरे हरे बोल हरि बोल, हरे भगवान कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भगवान आ गए हैं अपना श्लोक अपनी वाणी में हमें सुनाने के लिए। भगवान आए हैं, भगवान ने भगवद गीता इसीलिए दी है, इसीलिए इसको गीतोपनिषद कहा जाता है, ताकि सब लोग भगवान के गाए हुए इस गीत को अच्छी तरह से सुन पाए, समझ पाए। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भवत् करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। भगवान ने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि अविनाशी और दिव्य जीव, अविनाशी कौन है जिसका कभी विनाश नहीं होता, और दिव्य कौन है जो दिव्य है, जो सबसे ऊपर है ना, इटर्नल है, शाश्वत है, वो जीव ब्रह्म कहलाता है। तो एक चीज और समझ में आ गई कि ब्रह्म का जो जीव का ओरिजिनल स्वरूप है वो दिव्य है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो कर्म क्या है? जो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां हैं, हमारे भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो कर्म कहलाते हैं। यहाँ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम समझ रहे हैं कि किस तरह से आत्मा से हम आत्मा जो है वो देह में रहती है, और देह का पूरा चक्र चलता है, छोटे से शिशु से लेकर एंड तक मृत्यु तक पूरा चक्र दिखाया गया है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधि दैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतामवर। अनुष्का माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। हरे हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। देहधारियों में श्रेष्ठ कहा गया है अर्जुन को, भगवान स्वयं मानते हैं कि अर्जुन जो है वो सभी देवधारियों में श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो अधिभूत कौन हुआ? जिसमें भौतिक अभिव्यक्ति है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य और चंद्र हैं, देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है, और प्रत्येक देहधारी के हृदय में जो परमात्मा स्वरूप में है वो हृदय का और यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो ये तीन टर्म्स आपको आएंगी, आगे भी बहुत बार आएंगी, अधिदेव अधिभौतिक आध्यात्म, और यही त्रय तापों के रूप में भी आप पढ़ेंगे, तीन तरह के क्लेश, अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्म। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक दूसरे के लिए जो कष्टकारी बन जाते हैं, जीवों के द्वारा अन्य जीवों को दिए जाने वाले कष्ट, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अधिभौतिक।
अपने स्वयं के मन से उठे हुए कष्ट, क्योंकि हृदय में कौन रहते हैं? परमात्मा। अगर मन से हमें कोई दुख हो रहा है, कोई डिप्रेशन हो रहा है, तो इस तरह के कष्टों को हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक। और जब भगवान के द्वारा कोई नेचुरल कैलेमिटीज, कहीं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो भगवान के द्वारा नहीं, देवों के द्वारा दिए गए कष्ट आदिदेविक। तो ये तीन तरह के हमें आगे कष्ट भी समझ में आएंगे, जिन्हें हम त्रय ताप कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा उसका एक आपको इंट्रोडक्शन दिया गया। हम यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट श्लोक शुरू हो जाते हैं। जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो 8.5 से लेकर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और लगभग अगले जो 15-16 श्लोक है, उनमें लगातार भगवान ये बता रहे हैं कि उनको प्राप्त करने के क्या क्या मार्ग। ये आप सबको बहुत ध्यान से इनको सुनना है और श्लोकों को पढ़ना भी है भगवद गीता से। अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त्या कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। कशिश माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सामने चित्र में भीष्म पितामह दिखाए गए हैं, सभी कौरव पांडव उनके आसपास बैठे हुए हैं और सामने भगवान स्वयं खड़े हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान के स्वभाव को प्राप्त करने का क्या अर्थ है? भगवान के धाम जाता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? मनुष्य का अंत समय में सब तरफ से ध्यान हटाकर केवल और केवल श्री कृष्ण को याद कर, जो अपना अंत समय भगवान के स्मरण में निकालता है, भगवान को याद करते करते जिसके प्राण निकलते हैं, वे भगवान के धाम जाते हैं। अब हमने भरत महाराज की स्टोरी सुनी थी कि भरत महाराज इतने बड़े मुनि थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अंत समय में उनका मन जो था एक मृग के अंदर आसक्त हो गया, एक छोटे से मृग के बच्चे में वो आसक्त हो गए, तो अगला जन्म क्या मिला? मृग का मिला। तो कितनी ही कोई भक्ति कर ले, लेकिन अंत समय बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे आता है, आप सबके मन में भी आ रहा होगा, कि फिर पूरी लाइफ क्यों बैठ के महामंत्र करने में टाइम वेस्ट करें, अंत समय में ही कर लेंगे खाली, है ना? जब अंत समय लास्ट मोमेंट से सब कुछ डिसाइड होना है, तो लास्ट मोमेंट से ही कर लेंगे, क्यों पूरी जिंदगी महामंत्र करें? उसका कारण है अभ्यास। जब हम किसी चीज का अभ्यास नहीं करते, तो अंतिम क्षणों में भी फिर महामंत्र याद नहीं आएगा। तो इसलिए जीवन भर हमें महामंत्र का स्मरण करते रहना है, इतना अभ्यस्त हो जाना है कि हमें करना ना पड़े, वो ऑटोमेटिक हमारे साथ चलता रहे, ताकि अंत समय में भी हमें केवल और केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन बना रहे। अब महाभारत से कुछ थोड़ा सा वाक्यांश बता रहे हैं राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण, अनम्यूट करें राहुल प्रभु जी। हरे आप फिर से म्यूट हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सैकड़ों और हजारों जीव संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। हरे कृष्ण। स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो कितना सुंदर बताया है कि सबको पता है कि मृत्यु अंत है और वो एक परम सत्य है जिसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तब भी जब तक उसका भय सिर पर आपको खड़ा नहीं हो जाता, मनुष्य उसकी तैयारी करना शुरू ही नहीं करता, उसके बारे में सोचता ही नहीं। जबकि ये मालूम भी नहीं है कि कौन सा पल अंतिम क्षण हो सकता है, परंतु मनुष्य उससे बचता रहता है। और आजकल जो एक नया एक फिलोसफी चल रही है कि एंजॉय करना है लाइफ को, क्या सोचना है, ये है वो है, सोचता ही नहीं है। लेकिन जब सर पे पड़ता है, जो उस दिन हमने एक छोटे बच्चे की कहानी सुनी थी ना, कि ऊपर से कंकड़ मारते हैं भगवान, तो बच्चा सर पलट के ऊपर देखता है ना, वही हिसाब, वही समझाया गया यहाँ पे। आप सब बहुत भाग्यशाली स्टूडेंट्स हैं कि छोटी सी ही उम्र में आपको इतना सुंदर भगवद गीता का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और ये सारा श्रेय जाता है
प्रभुपाद को जिन्होंने भगवद गीता का इतना सुंदर व्याख्यान कर दिया है कि हम सरल भाषा में इसे समझ सकते हैं, अदरवाइज इतनी गूढ़ संस्कृत को हम में से कौन समझ सकता था। और फिर प्रभुपाद के ही प्रिय शिष्य परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज, जिनके सबसे प्रिय शिष्य हमारे सबके प्रिय टेम्पल अध्यक्ष हिजदेस नामनिष्ठा प्रभु जी, जिनके कारण इतना सुंदर प्रोग्राम हो रहा है कि आप सब कहाँ कहाँ से जुड़ के और भगवद गीता को पढ़ पा रहे हैं, कितनी भाषाओं में प्रभु जी ये प्रोग्राम चला रहे हैं, कितने समयों पे ये प्रोग्राम चल रहा है, दिन में कितनी बार भगवद गीता की क्लासेस चल रही है, और यूथ के लिए अलग, चिल्ड्रन के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग। तो ये सब के लिए हमें नामनिष्ठा प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, उनके कारण भगवद गीता का ये प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड फेमस होता जा रहा है, कितने लाखों लोग जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही सुंदर आपको अवसर मिल रहा है और नामनिष्ठा प्रभु जी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भी देखिए वही भरत महाराज की स्टोरी को फिर से दिखाया गया है, आप चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं इन चित्रों को जोड़ करके कि कैसे भरत महाराज ने सारी उम्र भक्ति की, लेकिन अंत समय में उनका ध्यान मृग में चला गया। और देखिए आपको राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है, जब वो मरणशैया पे हैं तो उनके चित्त में, उनके ध्यान में हिरण चल रहा है, तो अगले जन्म में ऊपर देखिए हिरण तैयार हो रहा है उनकी अगली योनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करेगा उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अंत समय में जो भी स्मरण होगा उसी से अगली योनि डिसाइड होगी। तो लास्ट मोमेंट पे अगर कृष्णा का स्मरण होगा तो कृष्णा का ध्यान मिलेगा, उन्हीं का धाम मिलेगा, उन्हीं का सानिध्य मिलेगा, और अगर किसी और चीज में ध्यान अटका रहा तो वैसी ही योनि मिलेगी। तो कितना सुंदर ज्ञान आपको मिला है यहाँ, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितर्मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस संशयः। कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। देव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझे स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। इस चैप्टर में जो सबसे आपको डिफरेंट और अच्छी चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी कि भगवान ऑलमोस्ट हर श्लोक में आपको निश्चित शब्द का प्रयोग होता मिलेगा, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। मतलब यहाँ भगवान गारंटी दे रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो डेफिनेटली गारंटी है कि तुम्हें ऐसा मिलेगा। एक बहुत ही सुंदर चीज भगवद गीता के बारे में आपको जानने को मिलेगी कि कोई भी आप धर्म, किसी भी संप्रदाय के जो उस धर्म या संप्रदाय के जो देवी देवता हैं, उन्होंने अपने आप को स्वयं भगवान कहीं डिक्लेयर नहीं किया। जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को सन ऑफ गॉड बोला, गुरु नानक देव जी ने भी अपने आप को एक मैसेंजर बताया, वो भी गुरु कहते हैं, स्वयं को भगवान नहीं कहते, है ना। जो लोग मुस्लिम हैं वो भी ये नहीं कहते कि अल्लाह मीन्स भगवान खुद है, वो भी प्रॉफिट मोहम्मद को उनका एक मैसेंजर मानते हैं जो धराधाम पे आए, है ना, जो वो अपनी लाइट मानते हैं या जो भी, क्योंकि वो निर्विशेषवादी हैं, वो रूप को नहीं मानते, तो वो भी उनका मैसेंजर धरती पे आया। लेकिन हमारे कृष्णा स्वयं भगवान है, धरती पे आए और खुद को भगवान डिक्लेयर किया और अपनी सारी विशेषताएं और ऐश्वर्य प्रेजेंट करके दिखाई। आज के टाइम में अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन करता है या ऐसा कहता है कि तुम्हारे कृष्ण अपने आप को भगवान कैसे कहते हैं, तो उनके हाथ में भगवद गीता थमा दीजिए, क्योंकि भगवद गीता के श्लोकों में भगवान ने निश्चित रूप से वर्ड का यूज किया है, वो गारंटी कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, करके देखो, है ना। भगवान ने यहाँ क्या कहा है कि तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध भी करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, फिर देखो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करो। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कृष्णा को सेंटर में रखते हुए अपने सारे कर्म और कर्तव्य पूरे करें। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेयस्कर है। तो कर्मों को छोड़ना नहीं है, कर्मों को करना है, ड्यूटीज को छोड़ना नहीं है, ड्यूटीज को करना है। अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न किया था कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे भक्ति योग में लगना चाहिए
मतलब मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए, फिर तो मैं क्यों युद्ध करूं? तो भगवान ने क्या कहा था कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है, कर्तव्य है कर्म करना, तो तुम कर्म करो, और तुम्हारा कर्म क्या है, युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो, है ना? तो ड्यूटीज को नहीं छोड़ना, ये भगवत गीता की शिक्षा है, राइट? स्लाइड थोड़ी सी आगे चली गई। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, वे अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। फिर से आ गया गारंटी, अवश्य, निश्चित। ये शब्द बहुत मिलेंगे आपको इन भगवद गीता के लगभग इन 15-16 श्लोकों में। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, निरंतर चिंतन होना चाहिए, और वो भी अविचलित भाव से, विचलित भाव से नहीं, पूरे स्थिर होके, एकाग्र चित्त होके। अपना काम भी हमारा चल रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में एक ही इमेज होनी चाहिए, कृष्णा। क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए कोई कर्म नहीं कर पाते। ये हमें लगता है हम अपने लिए कर रहे हैं, हम पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी कुछ दुनिया में है, सृष्टि में है, वो तो कृष्णा का है। एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कृष्णा के लिए कर्म कर रहे हैं। तो ये बात हमें याद रखते हुए उनका निरंतर चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ अजामिल की कहानी आती है, जो हमने आपसे सुनाई भी थी, कि एक जो थे अजामिल, एक व्यक्ति था, और सारी उम्र उन्होंने बहुत गलत काम किए, पराई स्त्री का संग और गलत काम, बहुत कुछ आपको दिखने में, चित्र में मिल भी रहा है। तो क्या होता है कि जब उनका उनके 4-5 पुत्र होते हैं, तो अब सारी उम्र उन्होंने गलत काम किए हैं, तो उनको ये भी है कि भगवान में वो उनकी भक्ति थी ही नहीं, तो भगवान उनका उद्धार कैसे करते। लेकिन उनके एक पुत्र का नाम होता है नारायण, सबसे छोटा पुत्र, जिससे उन्हें बहुत प्रेम होता है। तो जब अंत समय आता है, तो वो अपने छोटे से पुत्र को बुलाते हैं, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान स्वयं दौड़े हुए आ जाते हैं और अजामिल का उद्धार हो जाता है। राइट हैंड साइड पे जो चित्र है, उसमें देखिए, यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही अजामिल नारायण नारायण चिल्लाता है, तो विष्णु दूत आ जाते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं और उन यमदूतों का संहार करते, उनको भगा देते, और फिर स्वयं अजामिल को अपने साथ ले जाते। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति, अगर ना भी उसने, वो कोई गलत इंसान भी हो, उसने कुछ गलत भी किया हो, लेकिन अगर वो पूरे मन से और अविचलित भाव से केवल भगवान का नाम भी एक बार ले लेता है, तो उसके भी कष्ट कट जाते हैं, भगवान उसको भी अपने धाम ले जाते हैं। तो ये भगवान का हमारे प्रति उनका दया भाव है, कि वो हम कितना ही गलत कर लें, वो तब भी हमें क्षमा कर देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में। सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में भगवान के दर्शन कीजिए। सुंदर भगवान का रूप देखिए, कितना सुंदर है। उनका वर्ण देखिए, नीले रंग का वर्ण है, सर पे मोर मुकुट है, वंशी है, फिर उनका पीतांबर वस्त्र है, गले में वैजंती माला है, और पैरों में देखिए कितनी सुंदर उन्होंने एंकलेट्स पहनी हुई है ना? कितना सुंदर रूप भगवान का दिखाया गया है। तो क्या कह रहे हैं, मनुष्य को क्या चाहिए? परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर। छोटे से छोटा भी कण में भगवान है और बड़े से बड़ी चीज में भगवान है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, भौतिक बुद्धि से परे। आप मटेरियली अगर सोचेंगे तो आप भगवान को नहीं समझ सकते, आप स्पिरिचुअली अगर सोचेंगे तो आप भगवान को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। यहाँ आप देखिए, देवी देवता भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, स्वयं शिव जी बैठे हुए हैं पार्वती माता के साथ, और शिव जी ध्यान मग्न है अपनी साधना में लगे हुए। शिव जी हमेशा साधना में लगे होते हैं। क्या कभी हम में से किसी ने ही सोचा है कि वो साधना में किसको ध्यान रहे होते हैं? वो भगवान को ही स्मरण कर रहे होते हैं, क्योंकि शिव जी को सबसे बड़ा वैष्णव कहा गया। वैष्णव का अर्थ क्या है? जो विष्णु का भक्त हो।
अब जो शैविक हैं वो कहते हैं कि विष्णु जी जो है वो शिव जी से नीचे आते हैं, तो हमें प्रमाणिक ग्रंथों पे चलना है, और सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है भगवद गीता। इसे पढ़िए, जो इसमें लिखा है उसे मानिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने कहा है, तो भगवान के शब्दों पे विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो देवी देवता जो है वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति डायरेक्ट करनी चाहिए और अवश्य करनी चाहिए। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय 8 के ऑलमोस्ट सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.15, जैसे कि हमने 8.7 आपको बताया था, इसमें एक शब्द आएगा दुखालयम अशाश्वतम, बार बार यूज होगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना प्रुवंती महात्मानः संसिद्धि परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में कहीं नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ एक शब्द आता है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार के लिए कहा गया है। संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुख आलयम, दुख का आलय मतलब दुख का स्थान। अशाश्वतम, शाश्वत क्या होता है? एटर्नल, और अशाश्वतम क्या हो गया? टेम्परेरी। तो दुखालयम अशाश्वतम क्यों कहा गया है भौतिक जगत को? क्योंकि ये जो हमारा मेटीरियल वर्ल्ड है ये दुखों का घर है और टेम्परेरी, ना तो ये स्थाई है, अस्थाई है, टेम्परेरी है, क्षणिक है और दुखों का घर है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस जगत में नहीं लौट। तो जो भगवान की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धि अर्थात जो भगवान को समझ लेते हैं, अविचलित भाव से उनकी भक्ति करते हैं, निरंतर उनका ध्यान करते हैं, अपने कर्मों को उन्हें अर्पित कर देते हैं, कर्म फलों की इच्छाओं को त्याग देते हैं, कर्म करके कर्म के फलों को भी भगवान को अर्पित कर देते हैं, ऐसे महापुरुषों को भगवान भक्ति योगी डिक्लेयर कर रहे हैं, और उन्हें बार बार इस दुखालयम अशाश्वतम में नहीं आना जाना पड़ता। ओके, कशिश माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों का घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कौन्ति पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वे फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आपके सामने देखिए, हिरोशिमा नागासाकी का जो एक हुआ था बॉम्ब एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन, उसका एक चित्र आ रहा है, एक वीडियो आ रहा है। तो आप देखिए कि मतलब क्या है, क्या क्या रहा होगा वो समय जब इतना बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ और इतने लोग उसमें, कितने तो मारे गए, जो बच गए वो अपंग हो गए, अंध हो गए, माने ब्लाइंड हो गए, कुछों के हाथ पैर कट गए, कुछों को स्किन डिजीज हो गई, और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में उस जगह को जो है वो एक न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से ही याद किया जाता है। तो क्या है फिर दुख? दुख यही तो है, अचानक से आया और सब कुछ खत्म करके ले गया। वहां पर जो लोग उस टाइम जो कुछ भी कर रहे होंगे, उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसे एक पल में उनकी लाइफ ऐसे जा भी सकती है, और जिनकी बच गई उनकी क्या रह गई, है ना। तो भगवान इस टेम्परेरी जगत की परमानेंट समस्याओं से, हमें समस्याओं से डील करने का या तो बाहर निकलने का रास्ता समझा रहे हैं। हमें अपने कर्तव्य करते चलना है और भगवान की भक्ति करते रहना है, बाकी कोई चीज हमें कष्ट पहुंचा ही नहीं पाएगी। भगवान क्या कह रहे हैं? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म मरण का चक्कर लगा ही रहता है, लेकिन जो मेरे धाम को आ जाता है वो फिर कभी इस लोक में दोबारा जन्म नहीं लेता। पिक्चर्स के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है 8604000000 वर्ष। अब गिनते रहिए बैठ के। तो हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कैसे काउंट करना है, ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की अवधि कैसे काउंट की जाती है। आपके पास चार युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हम उल्टा चलेंगे। कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल। द्वापर युग जो भगवान कृष्ण का युग था उसको 2 टाइम्स कलयुग, मतलब
4,32,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8,64,000 साल। त्रेता युग है कलयुग का 3 टाइम्स यानी 12,96,000 साल, और सतयुग है कलयुग का 4 टाइम्स यानी 17,28,000 साल। इन चारों को आप टोटल कर लीजिए, क्या क्या थे, 4.32, 8.64, 12.96 एंड 17.28। इन चारों को लैक्स में है ये फिगर्स, इनको ऐड कर लीजिए, ये आपका आएगा 43,20,000 साल। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी है, क्योंकि जैसे दिन होगा ऐसे रात भी होगी। तो 43,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो जो भी फिगर आएगी उस फिगर को वो आप मान के चलिए एक कल्प, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। फिर उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि एक महीने में के 30 दिन, फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि एक साल के 12 महीने, और फिर फाइनली 100 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो ये जो आएगी अवधि वो होती है ब्रह्मा जी के 100 साल। फिलहाल यहाँ पर उनके एक दिन की अवधि बताई गई है, जितना हमने आपको बताया 43,20,000 का डबल करके आता है 86,40,000 जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये है ब्रह्मा जी का एक दिन। क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा जी का दिन प्रकट होता है जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा जी की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का ये मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और भी असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो आपको इसको इजी फॉर्म में समझाते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन चल रहा होता है तो हम सब सृष्टि में चलायमान होते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो जो जहां होता है वो वहीं स्टेबल हो जाता है, आगे कुछ नहीं होता, सब सुप्त अवस्था में चले जाते। फिर उतने ही साल 43,20,000 साल फिर कुछ नहीं होता, सब डेड पड़ा रहता है। फिर ब्रह्मा जी का दिन आता है फिर सारे उठ जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी की रात आती है फिर सारे सुप्त हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता है ये जब तक कि महाप्रलय नहीं आता है ना। तो अभी वो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसको हम ज्यादा नहीं लेते, यहाँ पर थोड़ा सा ही ग्लिम्स लिया बस हमने। देव मौर्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। देव प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी, देव प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और व्यक्त है और अव्यक्त पदार्थ से परे, यह परा यानी श्रेष्ठ यानी कभी न नाश होने वाली प्रकृति है। तो आपने दो तरह की प्रकृति हमने आपसे बताई थी, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति क्या थी, आध्यात्मिक प्रकृति जिसको कि हम अंतरंगा प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। अपरा प्रकृति क्या थी, भौतिक प्रकृति जिसको कि हम बहिरंगा प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो परा यानी परा यानी आध्यात्मिक प्रकृति है, अंतरंगा प्रकृति है, वो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन जो अपरा है भौतिक है बहिरंगा है वो नष्ट हो जाती है। तो ये दोनों प्रकृतियां जो है ये किसके अंडर कंट्रोल रहती हैं, स्वयं भगवान की। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको याद रखने में थोड़ा सा अब एफर्ट लगाना पड़ेगा, 8 अध्याय पढ़ चुके हैं आप, आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को समझना होगा, थोड़ा रिपीट करें जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसे आप चैप्टर को पढ़ें, क्विज करें, धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा। यहाँ एक गोलो का चार्ट दिया गया है, इसको आप क्लिक करके रख लें, इसको आप गूगल से डाउनलोड करें क्योंकि आपको वरना ये समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा टफ है और टेक्निकल है। इसका आप एक पिक्चर ले लें, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें कि भगवान कहाँ रहते हैं, इससे आपको ये समझ में आएगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे वैकुंठ में, सॉरी गोलोक वृंदावन है जहां भगवान स्वयं राधा रानी के साथ है, उनके नीचे फिर नीचे के लोक है, और जो भगवान की विष्णु फॉर्म है मतलब चतुर्भुज फॉर्म है वो आपको नीचे दिखेगी। तो थोड़ा सा आप इसको स्टडी करें, आपको इसमें धीरे धीरे करके समझ में आएगा।
है ना, यहाँ पे सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इस चार्ट को डाला गया है। ये भगवान के विभिन्न रूप हैं, कहीं यशोदा मैया के साथ हैं, कहीं गाय चरा रहे हैं, कहीं खड़े हैं, बहुत सुंदर भगवान के रूप है। चलिए, तो ये मुकुंद माला स्तोत्र से कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है, कौन पढ़ेंगे? अनुष्का माता जी, हरे कृष्णा। अनुष्का माता जी अनम्यूट करें। आज हमारे पवन प्रभु जी नहीं आए क्या? बीच में दिखे तो थे। पवन प्रभु जी आप हैं क्या? हाँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आई तो इसलिए फिर मैंने अनाउंस मतलब बोलना कॉल देना शुरू कर दिया। जी जी प्रभु जी आप कॉल दे दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तन में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रखाऊंगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, राजा कुलशेखर, और इन्होंने बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुतियां की थी। इन्होंने ये कहा था कि इनका कहना था कि जब अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं आपकी अच्छे से आराधना कर सकता हूँ, वंदना कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, तो अभी तो मैं जीवित हूँ, तो क्यों ना अभी आप मेरे अभी के अभी मेरे प्राण ले लें, क्योंकि इस टाइम तो मैं बिल्कुल सही हूँ। उस समय का क्या फायदा जब मैं जरा से प्रभावित होऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे से बोला भी नहीं जाएगा, मैं आपका नाम कैसे लूंगा? इनकी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। इस पुस्तक का नाम है मुकुंद माला स्तोत्र। आप लोग पढ़ना चाहें तो इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं इस्कॉन मैंगलुरु से, और मुकुंद माला स्तोत्र की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, एक श्लोक आता है। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति को भक्ति मार्ग मिल जाता है, ये सब चीजें तो अपने आप उसके पीछे पीछे चलती हैं। वेदों को पढ़ना, तपस्या में रहना, दान करना, ये सब अपने आप ही हो जाता है। तो फिर सिर्फ भक्ति संपन्न करता है और बाकी सब चीजें उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती है और अंत में परम नित्य धान को भी प्राप्त होता है। ये सब चीजें करने से, वेदों को पढ़ने से, तपस्या दान दार्शनिक चिंतन सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फल, ये सब एक तरफ और इकलौती भगवान की भक्ति जो आपको सब कुछ देती है। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइज आ रही है। प्लीज जिनके भी बैकग्राउंड में नॉइज है थोड़ा म्यूट कर ली। इसमें ऊपर की लाइन स्लाइड में आ नहीं रही तो इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, नेक्स्ट कौन हैंड रेज है? कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की जय। भक्तों की संगति आवश्यक है। सातवें से लेकर बारहवें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम छह अध्याय तथा अंतिम छह अध्याय इन मध्यवर्ती छह अध्याय के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन छह अध्याय को भक्ति संगति में भलीभांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमामंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा इसे इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरी बोल। हरी बोल। तो बहुत सुंदर बताया गया है, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि भगवद गीता जो है इसको हमने तीन पार्ट्स में पढ़ा है। एक से छह, पहले छह कर्म योग, फिर सात से बारह सेकेंड पार्ट भक्ति योग, और फिर तेरह से अठारह ज्ञान योग। और इसको आप एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह समझे, कोई बॉक्स होता तो हम आपको दिखाते,
एक ज्वेलरी बॉक्स में क्या होता है कि नीचे बेस है, ऊपर उसका लिड है और बीच में ज्वेल्स है। तो ऊपर कर्म योग है, नीचे बेस में ध्यान योग है, सॉरी ज्ञान योग है, और बीच में भक्ति योग, अर्थात आपके प्रिशियस ज्वेल्स है, आपके माणिक है, रत्न है, जिनकी आपको हिफाजत करनी। तो भक्ति योग को कंपेयर किया गया है ज्वेल्स से, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ऊपर क्या है, कर्म योग, आपका कर्म, और नीचे क्या है, उसका बेस जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या। तो इस तरह से हम भक्ति योग को समझ पाते हैं। और जिन्हें भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है, उन्हें भगवत गीता को किसी श्रद्धालु व्यक्ति से या किसी गुरु परंपरा में जाके समझना चाहिए। अगर वो मनोधर्मियों से समझेगा जो अपने आप में भगवत गीता पढ़ते हैं और उसकी पता नहीं क्या क्या टीकाएं और टिप्पणियां बनाते हैं, उनसे तो बिल्कुल नहीं सीखनी समझनी चाहिए। एक्चुअली उनकी भगवत गीता को सुनना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव जो सुबह हमें भागवतम पढ़ाते हैं, इस ग्रेस गौरीश्याम जी, मेरे क्लास चले ना, बात करते हैं ना, दे रहा मैं तो सुबह हमारे जो प्रभु जी हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, हिज ग्रेस गौरीश्याम प्रभु जी, वो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि भागवतम उससे सुनिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है या भगवान का भक्त है। एटलीस्ट अगर शुद्ध भी नहीं है तो भी भगवान का भक्त है, प्रामाणिक संस्था से है, जैसे इस्कॉन से। जो लोग भागवतम सुनाने का पैसा चार्ज करते हैं कि भागवतम सप्ताह चल रहा है, भागवतम सुनाने वाला पैसा लेके जा रहा है, ऐसे व्यक्ति से जो भागवतम सुनाने का पैसा लेता हो, भागवतम कभी मत सुनिए। भगवत गीता उससे सुनिए जो भगवत गीता आपके गुरु से, प्रमाणिक गुरु यानी श्री प्रभुपाद से, जैसे हम भगवत गीता सुन रहे हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम नहीं पढ़ रहे, हम प्रभुपाद पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब कुछ, तो हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं, हम और किसी से नहीं सुने इसको। क्योंकि बहुत से लोग अपनी अपनी बीच में मिक्सिंग कर देते हैं और भगवत गीता को चेंज ही कर देते हैं। तो हमें केवल प्रमाणिक शास्त्रों को प्रमाणिक विधि से ही पढ़ना और सुनना चाहिए। ठीक है, तो इस स्क्रीन का आप फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आपको बताया गया है, आप अपनी भगवद गीता से इसको टैली करें कि जैसे इस चैप्टर में 1 से लेकर 4 श्लोकों तक अर्जुन के भगवान ने उत्तर दिए, फिर 5 से 8 तक मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, कैसे याद करना है, क्या होता है उससे, फिर 9 to 13 योग मिष्ट भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, 14 to 16 शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, 17 to 22 भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, मतलब आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड, और 23 से 28 तक कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व। ओके, आप इसको अपने स्क्रीनशॉट को ले लें और इसको फिर टैली कर लें। तो यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ आपका 8वां अध्याय संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आई होप समझ में भी आना शुरू हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कशिश माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। एक बार वो तीनों भौतिक प्रकृति और त्रिताप वापस बता दो। देखिए, दो तरह की प्रकृति है, दोनों ही भगवान के कंट्रोल में है, दोनों के ही उद्गम के जो सोर्स हैं वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। तो दो तरह की प्रकृतियां हैं, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। अब भौतिक प्रकृति क्या है, जिसमें की सारी भौतिक चीजें आती है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व जो है ये भौतिक प्रकृति के अंदर आएंगे। और इसके साथ में इनके 3 नाम कौन सकते हैं, आप भौतिक कह सकते हैं, अपरा कह सकते हैं, बहिरंगा कह सकते हैं। और जो आध्यात्मिक प्रकृति है, जो आपका स्पिरिचुअल एनर्जीज है, उसमें आएंगी आपकी जैसे इवन जीव, हम जो जीव हैं जिनमें चेतना है ना, हम आते हैं आध्यात्मिक प्रकृति में। लेकिन हम भौतिक कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इस पूरे शरीर में एक ही आध्यात्मिक चीज है और वो है आत्मा, चेतना। चेतना आत्मा एक ही बात है, बाकी ये शरीर भौतिक है। तो क्योंकि जीव दोनों का मिश्रण है, इसलिए जीव को बोलते हैं तटस्था शक्ति के अंतर्गत, क्योंकि तटस्था मींस जो तट पे खड़ा है, जिसके जैसे तट पे एक इंसान खड़ा है, इधर पानी है इधर रेत है,
अब उसके ऊपर है कि वो पानी में जाए या रेत में जाए। ऐसे ही जीव है, एक तरफ स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल एनर्जीज है, एक तरफ मटेरियल एनर्जीज है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम स्पिरिचुअल एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट हो या मटेरियल एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट। अंदर से तो हम आध्यात्मिक है, लेकिन क्योंकि हम भगवान से अपना संबंध भूल जाते हैं तो हम भौतिक हो जाते हैं। तो इसके तीन नाम क्या है? आध्यात्मिक के तीन नाम है, आध्यात्मिक प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति या शक्ति भी कह सकते हैं, अंतरंगा शक्ति, और आपकी पराशक्ति। उधर है अपरा, बहिरंगा और भौतिक, इधर है आध्यात्मिक, परा और अंतरंग। नहीं, जो आज इसमें है ना, अधिभूत अधिदेव हाँ, अधिभूत अधिदेव और अधिभौतिक। अब आप इन तीनों के नाम को समझिए। जिसके साथ अधिदैविक लगा उसमें दैविक शक्तियां जुड़ गई, जिसके साथ अधिभौतिक लगा उसमें भौतिक शक्तियां जुड़ गई, जिसके साथ आध्यात्मिक लगा उसमें स्पिरिचुअल एनर्जीज जुड़ गई। तो तीन तरह के जो क्लेश होते हैं, त्रैताप, वो भी इन्हीं शक्तियों से प्रभावित होके आते हैं। यही तीन तरह के क्लेश हैं पूरे दुखालय में, जो हम जिस संसार में रहते हैं, भौतिक जगत। आध्यात्मिक त्रैताप में, आध्यात्मिक त्रापों में कौन से हैं? जो अपने आध्यात्म मतलब अपने अंदर से आते हैं, क्योंकि अंदर से हम आध्यात्मिक हैं, आत्मा हमारी आध्यात्मिक है। तो जो हमारे हृदय से जो प्रकट होके हमारे दुख या टेंशन या हमारे अंदर के क्लेश बाहर आते हैं, वो कौन से? आध्यात्मिक। आदि भौतिक कौन से हैं? जो भौतिक संसार से आते हैं, एक जीव दूसरे जीव को कष्ट दे रहा है, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी को मार दिया, वध कर दिया, लड़ाई झगड़े हुए, वो क्या है? आदि भौतिक। और आदि दैविक कौन से हैं? जो देवताओं द्वारा आते, वरुण देव ने को गुस्सा आ गया तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, पवन देव को गुस्सा आ गया तो बहुत सारा तूफान आ गया, अग्निदेव को गुस्सा आ गया तो जंगल में आग लग गई। तो देव जो हमें कष्ट देते हैं वो आदि दैविक, जीव जो हमें कष्ट देते हैं आदि भौतिक, और अपने अंदर से स्वह मन से जो आते हैं, क्योंकि मन अंदर से आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक कष्ट। त्रय ताप, तीन तरह के ताप। जी माता जी, एक एक और हाँ हाँ पूछिए। जो अभी वो मुकुंद माला स्रोत वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें फिर क्या मानसिक भक्ति करो जब हम गला और वो कफ से आवृत हो जाएगा, तो मन में करो नहीं, वो उनकी स्तुति थी, वो उनकी पूछा तो प्रार्थना थी कि आप अभी के अभी मेरे प्राण ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं पूरे जोश के साथ, पूरे हृदय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ मैं आपकी भक्ति करने के लिए सक्षम हूँ, आप अभी मेरे प्राण ले लीजिए। क्यों मुझे उस स्थिति में डाल रहे हैं जब मैं आपका स्मरण न कर पाऊं, जब मेरा गला वात पित्त से भर जाए, मैं आपका नाम भी नहीं ले पा रहा, मुझे वहां तक क्यों खींच के लेके जाना है? अभी मैं पूरी तरह से आपकी भक्ति करने में सक्षम हूँ, तो अभी मेरे प्राण ले लीजिए। वो बट ये एक तो ऐसे है ना कि अपन स्टार्टिंग से ले रहे होंगे, तो चलो उस टाइम पे अपन को क्या पता, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। हाँ, मतलब देखिए, वो एक भक्त की आप कह सकते हैं सोच है, मतलब एक भक्त, वो भक्ति की एक्सट्रीम लिमिट है। एक भक्त क्या कह रहा है कि आप, मैं अभी ठीक हूं तो आप अभी मुझे अपने, मेरे प्राण ले लीजिए, क्योंकि कल को मैं आपका नाम ले पाऊं ना ले पाऊं, इससे अच्छा मैं ठीक हूं तो आप अभी मुझे ले ऐसे लीजिए। बोला, इसका कोई आंसर मतलब ऐसे नहीं है कि बाद में हो जाएगा तो मैं कैसे नाम लूंगा। इससे आपको अभी जो, अभी हमारे जो आप लोगों का, हम लोगों का स्तर है, वो हम राजा कुलशेखर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। बहुत टॉप क्लास, सुपीरियर क्लास जिसे कहते हैं भक्त थे वो भगवान के। अभी तो हमें केवल महामंत्र को जपना शुरू करना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। और किसका प्रश्न है? राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने काफी लोगों को देखा है जिनकी मृत्यु होती है, मैं उनके अंतिम संस्कार में गया हूँ, और मैंने आपके मुख से भी और अपने पिताजी के मुख से भी ये सुना है कि जीवन में हर किसी की मृत्यु होनी है, निश्चिंत है। लेकिन माता जी, में एक बात हमेशा डाउट रहता है, जैसे कि क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई टॉप आएगा, कोई फेल आएगा, सभी के साथ एक जैसा नंबर नहीं आने हैं, तो मुझे लगता है कि क्या ये किस, यानी इसका प्रूफ क्या है, या फिर मेरे अंदर क्या होता है कि एक दिन मेरी मृत्यु होगी, मैंने जिंदगी में पैसा, घर मकान सब कुछ कमाना है, वो सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है, तो ये चीज मेरे अंदर हमेशा बताती है कि ऐसा कौन सा वो कोई, यानी ऐसा क्या है जो मेरी भी मृत्यु होने निश्चिंत ही है, यानी मेरा कोई कर्म है।
हैं, सबके साथ ही होता है, तो मेरे साथ ही वो चीज क्यों होगी? यानी मृत्यु होगी, भगवान ने किसी इच्छा करी हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन मेरी ही क्यों होगी? ये चीज मैं जानना चाहता हूँ जीवन में, आप कृपया मार्गदर्शन करें। मृत्यु तो सबकी होनी ही है ना, वो तो परम सत्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमें इन चीजों से डील करने के लिए कौन ताकत देगा? हमें ना केवल मृत्यु के बारे में सोचना है, चलिए फॉरगेट अबाउट डेथ, हम मृत्यु को छोड़ देते हैं, लेकिन मृत्यु तक जब तक पहुंचते नहीं तब तक भी तो जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, तो उन सबसे डील कैसे करें? उन सबसे हमें डील करने के लिए क्या हर कदम पे हमें अर्जुन के सामने तो भगवान प्रत्यक्ष खड़े थे, हमारे सामने तो नहीं खड़े, तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो हमें अपने पहली बात की प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके हमें ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं, दूसरी बात हमें शास्त्रों से सीखने को मिलती है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। अब हम तैयार कैसे करें? तैयार करने के लिए हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी ताकत शास्त्र, और वो भी किसके दिए हुए? गुरु के द्वारा दिए हुए। अब आपका प्रश्न ये है कि मृत्यु तो होनी है, तो मेरे साथ ऐसा होगा, मैं अपने आप को प्रिपेयर कैसा करूं, क्या करूं ऐसा कि मेरे को कल को ज्यादा कष्ट ना हो? तो उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति का शुभारंभ कहाँ से होगा? महामंत्र के जप से। आप भगवान का मंत्र जपना शुरू कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का 1 राउंड, 2 राउंड, 16 राउंड, प्रभुपाद ने कहा 16 माला जपनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे महामंत्र आपके अंदर जाएगा, अंदर से जो हमारे कलमश है, भौतिक कलमश, क्लेश है, जो राग द्वेष है, धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा, भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी, और कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो हमारा स्पिरिचुअल होता जाएगा, और वही इटर्नल फैक्ट है। एक ना एक दिन सबको उसी पे आना है। तो अच्छा है कि आप लोग जल्दी एज में भगवान के साथ कनेक्ट करें और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा करें। गलत रास्ते पे गलत तरीके से धन अर्जित करना, गलत चीजों में पड़ना, इन सब चीजों से अच्छा है कि आप अपने आप को धीरे धीरे स्पिरिचुअल करें। राइट प्रभु जी जी? माता जी, माता जी, माता जी, एक एक चीज बता दीजिएगा। मैंने मोबाइल पे देखा था कि इस्कॉन संस्था के माध्यम से जो है दीक्षा भी मिलती है, तो उसके क्या नियम है? या मान लो अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे पूर्ण रूप से इस्कॉन संस्था के विषय में क्या नियम होते जानकारी भी नहीं है, तो जैसे कि मैं आपकी संस्था जुड़ा, मुझे अच्छा लगा, यानी कोई भी इसी प्रकार का मुझे अंधविश्वास नहीं लगा कि भाई ये है, मान लो सही है गलत है, हर चीज बिल्कुल बकाया सबूत तौर पर है कि ये चीज ऐसे हुई है, बिल्कुल एविडेंस है, तो मैं इन फ्यूचर जो है दीक्षा वगैरह लूंगा, तो उसका मैं अभी से कौन से नियम पे चलूं, क्या कृपया मार्गदर्शन करें? 4 हमारे नियम होते हैं जिन्हें हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं प्रभु जी। इन 4 नियमों को हमें पालन करना होता है और आजीवन इसका संकल्प लेना होता है। एक कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे। दूसरा कि हम कोई भी किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे, स्वच्छ रहेंगे। बहुत सारे नियम है लेकिन ये 4 मेन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। हम हमेशा सत्य बोलें और किसी भी हम अवैध संबंधों में ना जाएं। अर्थात कि अगर आप मैरिड हैं, आप विवाहित हैं, तो आप अपनी पत्नी के साथ ही रहें। अगर आपकी पत्नी है या कोई भी और फीमेल है तो वो अपने पति के साथ में रह रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध में नहीं जाना। और बिफोर मैरिज जो मतलब लड़कों लड़कियों में संबंध होते हैं उस पे नहीं जाना। तो इन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को हमें जो है फॉलो करना है और 16 माला का जप करना है। तो हमें, सॉरी मैंने शायद गैम्बलिंग नहीं कहा, एक मिस हो गया, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से हमें गैम्बलिंग कभी नहीं करनी। तो हमें जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, अवैध संबंधों में नहीं जाना, और हमेशा स्वच्छता और सत्यता का ध्यान रखना है। ये 4 जो हैं हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, और साथ में 16 माला का जप। तो ये जब आपको नियम फॉलो करते हुए और 16 माला करते हुए लगभग लगभग 6 महीने हो जाते हैं, तो आप एक शेल्टर फॉर्म आता है वो भर सकते हैं। और शेल्टर फॉर्म भरने के फिर उसके बाद आपको अपने आप इस्कॉन से कॉल आती है। आप जिस भी इस्कॉन में जुड़े हैं, जैसे आप मैंगलुरु से जुड़े हैं, तो जब आप शेल्टर फॉर्म भर देंगे तो फिर आपको 6 महीने या 1 साल आपके जो शिक्षा गुरु होंगे वो आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि आपके क्या है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं नहीं आ रहे। वो सब करने के बाद फिर जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी आती है, आपकी रैंक अच्छी आती है, आप माला जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्लासेस में आपकी अटेंडेंस कैसी है, वो सब होने के बाद फिर आपको दीक्षा के लिए जो है फॉर्म भेजा जाता है। माता जी, एक चीज बता दीजिएगा, जैसे कि आपकी बात मुझे वो सही लगी कि गलत संबंध नहीं रखने पत्र किसी भी लड़की से, लेकिन माता जी जैसे कि मान लो मैं भी पढ़ाई भी कर रहा हूँ या अन्य कभी नौकरी लगेगी, क्या हम की लड़की से प्रेम करके शादी तो कर सकते हैं?
शास्त्रों में तो ये नहीं कहा गया, शास्त्रों में तो जो आपके माता पिता आपके लिए ढूंढेंगे आपको उसी कन्या से विवाह करना है, लेकिन आज के भौतिक रूप से देखते हुए ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है तो अपने माता पिता पिता से इस चीज को डिस्कस करें और फिर है तो कोई नहीं, लेकिन ये उम्र थोड़ी ऐसी होती थी, मैंने पहले पूरी जानकारी ले लिया अभी, मैंने कि आपकी मेरे भैया के दोस्त हैं तो उनकी जॉब लगने बाद में। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है तो अपने माता पिता से, या आने वाले समय में आए तो जरूर डिस्कस कीजिए, और अगर वैसे माता हमारे जीवन पिता नहीं है। आज्ञा दें तभी करिए, बस ये बात है कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं करना, या गलत ढंग से नहीं करना कि पेरेंट्स ने मना कर दिया तो भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, या अगर नहीं हो पाई तो कुछ गलत कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी माता ठीक है जी, प्रभु, माता जी, माता जी, हरे कृष्णा। तो अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही विराम देते हैं, और कल हम फिर से 9:45 बजे भगवद गीता के 9वें अध्याय की तरफ, कल हमारे 9 अध्याय पूरे हो जाएंगे, मतलब हम पूरा हाफ पे क्रॉस कर लेंगे, 18 में से 9 अध्याय कल पूर्ण हो जाएंगे। तो प्लीज प्लीज आप लोग क्विज करें जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी से सर्टिफिकेट मिले, आप लोग भागवतम पढ़ना शुरू करें, लेवल 2 में आए, और आप लोगों को भक्ति में बहुत उन्नति प्राप्त हो। पवन प्रभु जी, कुछ ऐड करना है आपको? नहीं नहीं कुछ लोग क्विज कर लिए, वैसे कुछ लोगों ने कर ली है क्विज, हाँ जी, कुछ लोगों ने क्विज कर ली है, अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दो, कर ली है कि नहीं कर ली है पूछ ला। ओके, बिल्कुल ठीक बात है, जिनको क्विज करने में कोई परेशानी आ रही हो वो बता सकते हैं, हम लोग आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके साथ साथ हम भी भगवद गीता को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, अपना सनद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देते हैं, इतने अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, बहुत आप लोग योग्य हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील जय प्रभुपाद महाराज की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। थैंक यू पवन प्रभु जी। एक सॉरी प्रश्न जय आया है शायद, 1 सेकेंड, शुभम प्रभु जी का एक प्रश्न था, सॉरी मैं उस टाइम पढ़ रही थी लेकिन मैं आंसर दे रही थी, एक मिनट। मृत्यु को सभी को आनी है, उसे हम टाल नहीं सकते, तो उसे उससे डरना क्यों? ओके, आपने अपना विचार रखा, बिल्कुल सही शुभम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जय कृष्णा, थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा।